हाँ तो आप बताइए कि क्या मामला था। मामला सफाई कर्मियों का था। असल में जो है तो सफाई कर्मी बराबर लॉकडाउन की वजह से देश की साफ़ सफाई के लिए नगर की साफ़ सफाई करते हैं, बराबर ड्यूटी देते हैं। इस बीच में नगर के कुछ कर्म अधिकारियों द्वारा अवैधानिक तरीके से पेमेंट काट ली जाती है। चूँकि भारत सरकार ने भी ये लॉकडाउन में बताया है कि कहीं ना कहीं पेमेंट किसी की ना काटी जाए और सभी को पेमेंट मिला जाए, उसके बावजूद भी जो सेवा कर्मी हैं उनकी पेमेंट काट ली गई है। इसी मामले को लेकर ADM साहब को सूचित किया गया, DM साहब को भी सूचित किया गया था कुछ दिन पूर्व फ़ोन पर। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि किसी की पेमेंट नहीं काटी जाएगी, ऐसा कुछ मामला था। और अपने सफाई कर्मी भाई बंधु हैं तो जानकारी देंगे क्या कैसा मामला है, नगर पालिका में किसने काटा वैधानिक तरीके बताएंगे। आप बताइए क्या मामला था। हम लोग पूरी मेहनत के साथ महीने के 30 दिन ड्यूटी करते हैं बराबर, उसके बाद भी हम लोग की पेमेंट काट ली जाती है, पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। हम लोग की हाजिरी बनाते हैं रजिस्टर में और महीने के लास्ट में बताते हैं आप इतने दिन अब्सेंट हो। सर आप महीने में 300 दिन ड्यूटी करते हैं। सर 30 दिन तो नहीं, कभी कभी एक आध दो दिन मिस हो जाता है, लेकिन बाकी तो हम हमेशा 30 दिन ही ड्यूटी करते हैं। अच्छा ठीक सर। जी आप बताना चाहें क्या मामला है। मामला ये है कि हम लोग काम करते हुए भी पेमेंट काटा जा रहा है इस महामारी में। तो आश्वासन क्या मिला है। आश्वासन यही मिला है कि हम लोग चर्चाएं करते हैं सेमू साहब से, सेमू साहब कोई जवाब नहीं देते हैं, और अपने जो काम लेते हैं जमादार वगैरह उनसे पूछते हैं तो बोलते कितने संडे पड़े थे, ये संडे पड़े थे, बुधवार पड़ गया था, इस वजह से कहता जितनी ड्यूटी किए थे उतनी तुम्हारी पेमेंट बनी है। नाम जी आपका नाम। हाँ नीरज भारती जी। नाम बताएं। संदीप भारती। चलिए ठीक है, धन्यवाद।